हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप कि अच्छे हो गए और अच्छा ही रहना। तो अभी मैं इस हाईवे से आया हूँ और आज जो अपना ब्लॉग है वो डेकोरेशन स्पेशल ब्लॉग होने वाला है। जी हाँ, दिवाली स्पेशल ब्लॉग। तो आओ चलते हैं। सो गाइज, पहले हम यहाँ के लोकल मार्केट को ऑब्जर्व करते हैं, यहाँ से लेंगे कुछ चीज़ें, उसके बाद हम पटना सिटी के होलसेल मार्केट में जाएंगे और वहाँ पर देखते हैं। तो गाइज, सेम रिक्वेस्ट है आप लोग से कि जो लोग यहाँ पर नए आए हो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो कैसे चलते हैं यहाँ के लोग? तो गाइस, सेम सर रिक्वेस्ट है, जो लोग यहाँ पर नए आए हो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट भी करना, बेल आइकन में प्रेस कर देना, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलेगा और तुम मेरे वीडियोस को पहले देख पाओगे। ये देखो, यहाँ पर एक गाय है और सामने भी दो गाय है। तो लोग गाय को पालते हैं और छोड़ देते हैं, तो ये बहुत गड़बड़ चीज़ है, गौ माता का इस तरह से अपमान करना। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो गाइस, ब्लॉग कैसा लगता है कमेंट करके बताओ। तो अभी मैं हूँ जहाँ पर, यहाँ पर शाम हो गई है, आई थिंक होलसेल मार्केट में पहुंचते पहुंचते मुझे रात हो जाएगी। तो डेकोरेशन स्पेशल ब्लॉग देखने के लिए बस हमारे साथ बने रहो। और दिवाली का थोड़ा मार्केट स्टार्ट भी हो गया है क्योंकि अब धनतेरस ज्यादा दूर नहीं है। तो आपकी क्या प्लानिंग है धनतेरस में खरीदने की, कार, बाइक, कुछ गहने? क्योंकि नॉर्मली लोग जो होता है गहने ही को मान्यता देते हैं, या कुछ लोग जिनके पास अच्छे पैसे हैं तो कार भी खरीदते हैं, बाइक भी खरीदते हैं, डिपेंड करता है आपके बजट पे। हमारे यहाँ तो गणपति आते हैं, गणपति लक्ष्मी, तो मैं ये लाता हूँ और 2-3 साल से वो भी नहीं आ रहा है, तो इस साल से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ फिर से। क्योंकि जब पापा थे तो वो हमेशा लेकर आते थे गणपति, गणेश जी और लक्ष्मी जी की मूर्ति, जिसको हम अगले साल विसर्जन कर देते थे। तो 2-3 साल से स्टॉप है। और खैर, जो भी मैं खरीदता हूँ तो आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूँगा। ये देखो दिवाली का कुछ कुछ मार्केट जो है यहाँ पर, क्योंकि मैं मार्केट में आ गया हूँ तो कुछ कुछ बाजार जो है यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। ये देखो, यहाँ पर भी दिवाली का कुछ मार्केट सजा हुआ है, लोग खरीदारी कर रहे हैं। तो लेफ्ट साइड में भी है काफी सारे मार्केट, राइट साइड में भी काफी सारे मार्केट है दिवाली स्पेशल। लटकाना है जो भी आप यहाँ पर आकर के खरीद सकते हैं। दिवाली स्पेशल लैंप्स भी काफी सारे हैं मार्केट में आए हुए हैं, चाइनीज लैंप्स। और अगर आप बाकरगंज में जाओगे यहाँ के, तो वहाँ पर लाइटिंग की का स्पेशल मार्केट है। तो गाइज, अभी तो दिवाली का बाजार थोड़ा ठंडा है, लेकिन आने वाले दिनों में काफी ज्यादा होने वाली है भीड़। तेरस पे या फिर दिवाली में लोग काफी खरीदारी करते हैं डेकोरेशन से रिलेटेड। तो आओ यहाँ पर कुछ डेकोरेशन रिलेटेड चीजें देखते हैं और उसके दाम जानते हैं कितने के बिक रहे हैं। प्राइस क्या क्या है? ये जो तुम्हारे पीछे लैंप है, ये नहीं, इधर इधर ये वाला, हाँ ये वाला नहीं, ये वाला, हाँ चार सौ रुपया फिक्स प्राइस रहेगा। कितना कितना लगेगा? एक तरफ प्रमोशन में हो जाएगा, इधर चार सौ रुपया, 3.5 ही लगेगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? वो तो हम देख रहे हैं, वो दरवाजे पे लगाते हैं, वो सब कितना कितना है। तो गाइस आओ अंदर चलकर देखते हैं अंदर क्या क्या है। तुम्हारा तुम लोग का दुकान इतना अच्छा सजा हुआ है कि ऐसे क्यों देख रहा है कपड़े को? यही नहीं, अभी और सुनिए। इन सब का क्या क्या प्राइस है? सारे के अलग अलग रेट है। जैसे वो वाला कितना है, मोर वाला? मोर वाला हाँ, 550। 550 जी सर। और कुछ का प्राइस? ये जो है विंडचिम्स, ये सब सारा, ये सब हाँ, ये 200-250, 160, 150 सारे रेंज में आएगा। अच्छा, और ये वाला सब कौन सा बोलूँ? जैसे ये है वो आएगा आपको 150, 180, 200। ओके, साइज के अनुसार एक लड़ी, दो लड़ी, तीन लड़ी, जैसे ये लॉन्ग हो गया, ये तीन लड़ी का, ये दो लड़ी का हो गया, ये 250 का आएगा, है ना? हाँ, मिठू में बैठा हुआ। ये इसका क्या है? इसका 120। 120 जी। लास्ट कितना लगेगा? 100 लग जाएगा सर।
जोड़ा लेना चाहिए, एक ही लेना चाहिए, दो जोड़ा नहीं लगता। ए बी सी है, निकलना ना एक मिनट का, निकलना। क्या चैनल का नाम है आपका? शुभ वाइन्स करना है, SHUBH लिखा देते हैं। थोड़ा इसका झड़ा हुआ है, थोड़ा बढ़िया वाला था। ये तोता छोटा है ऐसा, ये बड़ा तोता है। ठीक है, हम एक ले जाते हैं अभी, तो ये वाला पसंद आया। सौ फिक्स रहेगा गाइस, सर 120 लग जाएगा। इतना ही लगेगा यार, चैनल पे देखोगे तो आदमी का और भी आएगा यहाँ पर। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। कोई कह नहीं सकते, मतलब इतना भी बड़ा चैनल नहीं है मेरा। सब दौड़ता हुआ आ जाएगा। तो गाइस मैं बाहर से आपको शो कर देता हूँ कुछ चीज़ें जो यहाँ पर लटकी हैं, काफ़ी खूबसूरत है। देखो एक राइट में भी है हमारे, इस टाइप के मार्केट्स यहाँ पर लगी हुई है। तो गाइस चलते हैं यहाँ से और पढ़ते हैं घर की ओर। ये देख लो एक बार लास्ट लुक। तो ये देखो भाई ने दिया है कि अपने चैनल का नाम यहाँ पर एंटर कर दो, जिसको ये कर लेगा सब्सक्राइब, तो कर देते हैं शुभ वाइन्स। आप लोग भी कर लो चैनल को सब्सक्राइब। देखो अपना चैनल आ गया है। देखो ये चैनल है, इसको क्या करना है और उसके बाद क्या करना है? बेल आइकन। हाँ चलो चलो, सी यू। क्या भाई, क्या क्या कहना कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? चल मिलते हैं। तो गाइज ये था दिवाली स्पेशल मार्केट। तो अगर आपको भी यहाँ पर आकर शॉपिंग करनी है तो आप पंच मंदिर से सीधा कंकर बाग में आ सकते हो, पंच मंदिर वाले रोड में ही ये पड़ता है। तो ये देखो पंच मंदिर है हमारे लेफ्ट में, तो ये काफ़ी फेमस मंदिर है पंच मंदिर में। तो आप यहाँ का दर्शन कर सकते हो पटना में किसी भी एरिया में आकर के। अगर आप ऑटो बुक करना चाहो तो आप डायरेक्टली यहाँ पर बोल के आ सकते हो। तो मैं भी थोड़ा आगे बढ़ गया, पीछे जाकर आपको दिखाता हूँ, कुछ ज़्यादा आगे बढ़ गया। तो ये हमारे लेफ्ट में पंच मंदिर। और ये हमारे राइट में स्कूल के लौटती हुई लड़कियाँ स्माइल करती हुई। तो काफ़ी फेमस मंदिर है, आप बाहर से दर्शन कर लो कभी, मैं अंदर जाकर भी आपको एक बार ये विजिट करूँगा। तो चलते हैं सीधा घर की ओर। सो मार्केट में भी थोड़ी मंदी है क्योंकि अभी धनतेरस में थोड़ा टाइम है। तो जैसे जैसे धनतेरस क्लोज आएगा और यहाँ पर भीड़ जो है बढ़ती जाएगी, वैसे भी ये मेट्रो का काम चल रहा है। और ये दुकान ठीक बस के सामने है। तो बाल बाल बची, देखा आपने लापरवाही का नतीजा। तो इस तरह की गलती मत किया करो क्योंकि हो सकता है काफी ज्यादा खतरा। अभी आंटी तो बच गई, अब पता नहीं वो भी सड़क पर क्या कर रही थी। और ये देखो एक लेडी बच्चे के साथ, तो इसको क्रॉस करने देते हैं। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुष निकला। तो बढ़ते हैं आगे, और धनतेरस काफ़ी नज़दीक आने का है। तो आपका क्या प्लानिंग है खरीदने का, कमेंट करके बताना अगर आपको अच्छा लगे। तो गाइस पहुंच गया हूं मैं कंकरबाग एरिया में, और ये देखो कंकरबाग मेन रोड है। तो गाइस अभी अभी एक मेरे न्यू बने सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा था मेरे रेस्टोरेंट के बारे में। तो ये देखो ये मेरा फर्स्ट रेस्टोरेंट है जिसमें लिखा है जय श्री राम। तो कैसा लगा एक बार बोलो, जय श्री राम। और गाइस ये वाली जो मेरी रेस्टोरेंट है ये है डुकाटी स्पेशल। तो डुकाटी मेरा ड्रीम बाइक है और मैं ज़रूर इसको लूँगा कभी ना कभी, अगर आप लोग का सपोर्ट रहा तो। गाइस मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को मोनेटाइज होने में मेरी हेल्प करो ताकि मैं अपना सपना पूरा कर सकूं। तो ये देखो कैसे कैसे लोग यहां पर पाए जाते हैं, जला सा देखा रास्ता वहां पर खड़े हो गए। 2000 years later. तो गाइस घर के रिटर्निंग है, मैंने देखा कि इमरती वाला काफ़ी टेस्टी इमरती बना रहा था।
तो मैंने सोचा कि उन्हें टेस्ट किया जाए। तो ये देखो 10 रुपए की 4 जलेबी इसने दी है और ये पड़ गया नारियल का पाउडर। तो लुक काफ़ी अट्रैक्टिव हो गया है, तो टेस्ट करते हैं। और गाइस टेस्ट काफ़ी अच्छा था, लेकिन मैंने देखा यहाँ पर 2 कुत्ते भी हैं, उनको कोई कुछ दे नहीं रहा है, कुछ लोग तो मार भी रहे थे। तो मैंने सोचा क्यों ना 2 जलेबी इन लोगों के साथ शेयर किया जाए। ये देखो ये देखो ये थैंक यू बोल रहे हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तो गाइज पहुंच गया हूं मैं पटना सिटी के मंडी में, यानी कि डेकोरेशन का जो मार्केट है। यहां पर सारा का सारा दिवाली स्पेशल आपको मिल जाएगा, आम दिनों की जो ज़रूरतें हैं वो भी आपको यहां पर सारी मिल जाती है, क्योंकि ये होलसेल मार्केट यहां पर है और पूरे पटना में यहां से चीज़ें जाती हैं, लोग यहां से खरीदते हैं, सस्ते में खरीदते हैं, ज़्यादा दाम लगा कर बेचते हैं। तो आपको भी अगर कुछ डेकोरेशन का सामान चाहिए होगा तो आप यहाँ कर आकर ले सकते हो। आप चाहे तो कंकर बाग भी जा सकते हो, वो भी अच्छा, मतलब वहाँ पर कलेक्शन था। ये देखो जैसे एक ये है स्टिकर तोरण कह सकते हो, तो वो लगभग 60 रुपए का था। ये देखो कितने सारे लैंप्स हैं, तो जितने भी है ये मत समझना कि इतने ही है, अंदर और भी धमाका है, तो आकर आपको देखना पड़ेगा। तो जितने भी लैंप्स आपको दिखे सब 500 के अंदर है, 200, 300, 350। यहाँ पर है कुछ पूजा पाठ से रिलेटेड कपड़े, तो एक दिक्कत है यहाँ पर आपको बंडल लेना पड़ता है, और कभी कभार मिल जाता है, खुदरा भी मिल जाता है, लेकिन आपको ये देखो तो खुदरा भी मिल जाता है, लेकिन ज़्यादातर आपको बिजनेस रिलेटेड पर्सन हो तो आपके लिए सही है। अगर आप दुकान खोल रहे हो तो यहाँ पर आपको अच्छा माल उठाते हो तो आप उसको ज़्यादा दाम पर बेच सकते हो, लेकिन अगर आपको सिंगल चाहिए तो दिक्कत आ सकती है, क्योंकि काफ़ी सारे दुकानदार जो होते हैं वो नहीं देते हैं सिंगल पीस। मे भी कभी कभार होता है, जैसा कि आप दिवाली वाले दिन आओ तो आपको मिल जाए। तो ये देखो यहाँ पर कुछ स्टिकर्स रंगोली हैं, तो आप इसको अपने ज़मीन पर चिपकाते हो, अपने ड्राइंग रूम में, अपने बेडरूम में, तो काफ़ी खूबसूरती बढ़ जाती है। तो यहाँ पर काफ़ी सारी वैरायटी है और ये सब 60 रुपये का है, और एक मत समझना इसमें 10 पीस हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारे माला है, काफ़ी सारे लटकन हैं, तोरण है, तो सब आपको 100 रुपया, 150 रुपया, 250 रुपया, और माला की जो प्राइस है वो डिपेंड करती है, तो आपको आकर देखना पड़ेगा यहाँ पर। तो ये देखो कितने सारे फ्लोर मैट्स की वैरायटी है, पहले ही मैंने आपको दिखा दिया है, देखो तो बंदा दिखाता जाएगा लेकिन ख़त्म नहीं होगी ये चीज़ें, इतनी वैरायटी है इधर, तो आपको बैठकर यहाँ पर देखना पड़ेगा, चुनना पड़ेगा। तो गाइस बड़ा सा शॉप है और काफ़ी चीज़ें हैं, तो अब चलते हैं किसी दूसरे दुकान में। ये देखो यहाँ पर भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो यहाँ पर डेकोरेशन से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो कुछ चीज़ें तो मैं भी लूँगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर वैरायटी काफ़ी ज़्यादा है। तो अभी दिवाली स्पेशल मार्केट है, अगर आप ऑफ सीज़न आओगे तो यहाँ पर नॉर्मल डेकोरेशन की चीज़ें मिल जाती हैं। देखो फूल है, तो कुछ लैंप्स यहाँ पर भी देख रहे हैं आपको, ये देखो कुछ लटकन्स हैं यहाँ पर, स्टिकर्स हैं, और ये शायद ओनर है, तो काफ़ी सारी वैरायटी। देखो कितने सारे यहाँ पर कैंडल्स भी हैं, स्टिकर्स हैं, ये देखो बंदा स्टिकर दिखा रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा खरीदारी होती है, लोग दूर दूर से आते हैं यहाँ पर खरीदने, कहो तो पूरे पटना से जो बिजनेस पर्सन है सब यहाँ पर लेने आते हैं। देखो लक्ष्मी माँ की कुछ पदचिन्ह भी है, तो कुछ लटकन है यहाँ पर, कुछ कस्टमर्स हैं यहाँ पर, और ये देखो कितने सारे लटकन है, ये देखो वैरायटी, देखो भाई वैरायटी कितनी सारी है, स्टिकर्स हर कुछ डेकोरेशन से रिलेटेड जो कुछ भी आपको यहाँ पर काफी ज्यादा मात्रा में मिलेगी।
तो गाइज मेरे हाथ में है कुछ तोरण। तोरण ये दरवाजे पर लगते हैं। ये दरवाज़ा 3 फीट का दरवाज़ा है, उस पर काफ़ी खूबसूरत लगता है। तो मैं बारी बारी कुछ जो तोरण है वो आपको दिखाता हूँ, तो कैसा लगता है कमेंट करके बताना। क्योंकि ये जो बंदा है अपने कस्टमर्स को छोड़कर यहाँ पर आपको तोरण को दिखा रहा है, और काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो वीडियो को बस देखो ही मत, कमेंट भी करो और अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर भी करो, और चैनल को सब्सक्राइब करो। तो गाइज इस वाले तोरण को मैं फाइनल कर रहा हूँ और इसको खरीदने जा रहा हूँ। तो कैसा लगा कमेंट करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।